If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. I ain't a quitter. Big picture, I'm straight to the edge. Rising the song to the highest. Got juice, got gas, I'm the best. Little shoes, big tracks, now who's that? I'm new, come back better than. तो गाइस स्वागत है आप सभी का एक और डुओ रैंक पोस्ट वीडियो में। तो गाइस इस वीडियो में देख सकते हो कि हम लोग तो आ चुके हैं भाई पोचिंग के में, और पोचिंग के आने के बाद ना बहुत सारे बंदे दिख रहे थे आसपास और हर तरफ से फुटस्टेप ही फुटस्टेप। अब यहाँ पर तो मुझे पता चलता अपने टीम मेट से कि यहाँ पर एक बंदा जिसके ऊपर मैं एक नेट करता हूँ और भाई इस नेट से हो जाता है ये बंदा नॉक। भाई ये बंदा तो नॉक हो जाता है लेकिन और भी बंदे थे जो कि साइड वाले बिल्डिंग पे थे। तो भाई मैंने जिस बंदे को नॉक करके रखा था ना उस बंदे का किल जो है ये सामने वाला बंदा चुरा लेता है। अब ये बंदा चले जाता भाई ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे तो भाई रश करना सही नहीं था। इस वजह से यहाँ पर मैं सबसे पहले नेट या फिर मॉली वगैरह ट्राई करता हूँ। और ये बंदा जो है नॉक हो जाता है और इसको मैं फिनिश बीट डाल देता हूँ बाद में। तो गाइस ये मेरा रैंक पुश का चौथा दिन है और मेरा आज फाइनली हो चुका भाई क्राउन 5। और मैं क्राउन 5 से अभी करने वाला हूँ मैं जल्दी से जल्दी कॉन्करर, और कॉन्करर के लिए अभी तो भाई पॉइंट कम से कम नहीं तो 4400 पॉइंट तो लगेगा ही लगेगा। तो भाई यहाँ पे सीधा मैं आ जाता हूँ लास्ट जोन पे, और यहाँ पर देख सकते हो कि कितना बड़ा जोन है। और यहाँ पे मेरे साइड से बस एक बग्गी गुजर रहा था, जिसके ऊपर मैं स्प्रे लेता हूँ, लेकिन इस बंदे को किसी और बंदे ने नॉक कर दिया था। तो यहाँ पर मुझे दिख गया था भाई इसका चमकता हुआ पेटी, इस पे से इसका मैं किल चोरी करने की कोशिश कर रहा था। जो बंदा मुझे दिख नहीं रहा था पहली बार, तो अब उसका मुझे दिखता है भाई इसका बग्गी। इसका ब्लड निकल रहा था तो मुझे पता चल गया था भाई कि वहीं पे वो नॉक हुआ पड़ा है। तो इस वजह से यहाँ पर मैं किल तो चोरी कर लेता हूँ। मैं सबसे पहले तो जोन देख लो कि भाई कितना छोटा जोन हो चुका है, और इस जोन में ना भाई अभी भी 22 बंदे अलाइव है। यहाँ पे मुझे पीछे से किसी बंदे का फुटस्टेप आ रहा था, इस वजह से यहाँ पर मैं बाहर जाता हूँ चेक करने के लिए। पहली बार में तो मुझे कोई भी बंदा नहीं दिखता, लेकिन बाद में मुझे दिख जाता ये बंदा, तो इसको तो मैं नॉक कर देता हूँ। इस बंदे को तो मैं नॉक एंड फिनिश डाल देता हूँ, लेकिन इसका दूसरा बंदा तो होना ही चाहिए आसपास क्योंकि उसने स्मोक भी कर रखा है। तो यहाँ पर तो हम लोग को सबसे पहले तो गाड़ी निकाल के ना जोन के अंदर जाना था। इस पे से यहाँ पर मेरा टीममेट को सबसे पहले भेजता हूँ जोन के अंदर, और भाई इस वाले रिएक्शन टाइम के लिए ना आप लोग जरूर से इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जरूर से। और देख सकते हो कि मेरा कितना एचपी हो चुका था, अगर मैं यहाँ पर नॉक होता ना तो मैं यहाँ पर सीधा यहाँ पर मैं फिनिश होने वाला था। तो यहाँ पर तो भाई मेरा टीममेट मुझे आ रहा था फिर से वापस लेने के लिए, लेकिन उसी टाइम पर मेरे टीममेट के साथ हो जाता है भाई हादसा। मेरा टीममेट को तो भाई नॉक करके फिनिश भी डाल देता है। और यहाँ पर देख सकते हो कि मुझे जॉन में जाना है, लेकिन भाई मेरे पास कोई भी व्हीकल्स वगैरह नहीं है, तो यहाँ पर मुझे भाई पैदल ही जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर इसका फाइट चल रहा था सामने, तो मुझे लगा कि यार यही सही टाइम है जो कि मैं यहाँ से मैं निकल सकता हूँ। अब यहाँ तक तो मैं आ चुका था, लेकिन भाई उसी टाइम पर मुझे बंदे का फुटस्टेप आता है, तो यहाँ पर मैं एक नेट करता हूँ। भाई ये जो मॉली होता ना भाई, मॉली तो यार पूरा गेम खराब कर दिया मेरा। आप देख सकते हैं कि मैं मर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे अच्छा खासा प्लस मिल चुका था क्योंकि बहुत ही बढ़िया लॉबी था और 34 का मुझे प्लस मिल चुका था। तो अब मैं आ चुका हूँ भाई दूसरे वाले गेम प्ले में, और यहाँ पर मैं आ चुका हूँ फिर से रेड जोन में। तो यहाँ पर आने के बाद ना मुझे बहुत ज़्यादा मतलब लूट भी मिल जाता है, और यहाँ पर मुझे बहुत सारे बंदे भी मिल जाते हैं, तो मेरा स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा किल हो जाता है क्योंकि उस टाइम पर रिकॉल बचा रहता ना एक, तो रिकॉल का भी तो भाई इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो चिड़िया रहता ना इसको उठाओगे तो फिर दोबारा से रिकॉल हो जाओगे, तो इसका तो सबको पता ही है। सामने जो एक बैरस पे ना बंदे थे जिसने मुझे बहुत ज़्यादा लो कर दिया था, तो यहाँ पर तो मैं सबसे पहले हेल्थ किट लगाता हूँ और मेरा टीममेट को बोलता हूँ कि यहाँ भाई करते हैं फटाफट से इस बंदे पे पुश, क्योंकि अकेला बंदा था तो इसके ऊपर पुश करना तो बनता है यार। और मेरा टीममेट उसी टाइम पे कर देता है इस बंदे को नॉक। अब जब तक इन बंदे पे पुश करने के लिए हम लोग आते हैं तब तक तो भाई ये बंदे रिवाइव हो भी जाता है।
तो अगर आपको ये वाला स्प्रे देख के ना अगर आपको मजा आया ना तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों में जरूर से शेयर कर देना। अब ये बंदा जो रिवाइव होके यहाँ से निकल गया था ना, इसको मैं कैसे पकड़ता हूँ बस आप लोग देखो। इस बंदे को मैं दोबारा से कर देता हूँ नॉक, शायद से इसका दूसरा टीममेट होगा। इस बंदे को तो मैं कर देता हूँ नॉक करके फिनिश। अब यहाँ पर मैं रेस्ट करने के लिए जा ही रहा था कि तभी हमारे साथ क्या होता है देखो। भाई देख सो मतलब कितना कवर के अंदर भी गोली लग रहा है। हम लोग एसएनए में आते हैं और यहाँ पर हम लोगों ने पूरा अपना लूट को कंप्लीट किया। उसके बाद यहाँ पर कम से कम तीसरा जोन तक हम लोग वेट किया, जब तक जोन ना करे ना तब तक हम लोग जोन में नहीं गए, क्योंकि भाई अगर मैं पहले जाऊँगा तो भाई जल्दी ही मर जाऊँगा और भाई उसके बाद फिर मेरा प्लस बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस वजह से भाई सर्वाइव करना जरूरी है। अगर आप लोग रैंक पुश कर रहे हो ना तो कभी कभी भाई किल के चक्कर में मत जाओ, आप लोग सर्वाइव करोगे तो ज़्यादा आपको प्लस मिलेगा। इस वजह से आप लोग सर्वाइव करने का सोचो, किल का तो क्या यार, आप लोग आराम से बाद में भी किल निकाल सकते हो, इतना कोई दिक्कत नहीं है। रैंक पुश लोगे में बहुत सारे बंदे रहते हैं लास्ट जोन में। अब यहाँ पर देख सकते हो कितना छोटा जोन हो चुका है और उसके बाद जाकर हम लोग जोन में निकल रहे हैं। तो यहाँ पर अपना हेल्थ वगैरह पूरा भी कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं जोन के अंदर जा भी रहा था, पर उसी टाइम पे मुझे एक दिखता है बग्गी। तो मुझे पता चल गया कि भाई यहाँ पे तो पक्का बंदा ही है। तो यहाँ पर मैं एक नेट का पिन खींचता हूँ। पर ये बंदा भाग रहा था, जो कि भाई पीछे मतलब भाई पीछे तो देख लो यार थोड़ा सा कि कितना ओपन में जा रहे हो तुम। तो भाई इससे अच्छा अगर यहाँ से ये फाइट लेने का ट्राई करता ना तो क्या पता ये बच जाता, या फिर थोड़ा बहुत हम लोगों को एक को तो भाई लेके ही जाता। बट ये बंदे ने कोशिश छोड़ के ना मतलब ये भागने का सोचा, लेकिन भाई इसको मैं पीछे से पेल देता हूँ। तो भाई देख सकते हो कितना छोटा जोन हो चुका है और हम लोग अभी आ चुके हैं भाई जोन के अंदर। और कितना छोटा जोन होने के बावजूद भी यहाँ पर 10 बंदे अलाइव है। तो भाई आसपास तो बहुत सारे बंदे का मतलब कि गाड़ी का तो मुझे साउंड आ रहा था और फायर का भी साउंड आ रहा था। तो इस वजह से यहाँ पर सबसे पहले एक स्मोक करते और स्मोक करने के बाद ना थोड़ा बहुत यहाँ पर सर्वाइव करने पड़ेगा। और जोन के बाहर एक बंदा है जो कि भाई बहुत देर तक कैम्प करेगा, बट उसको हम लोग कैसे मारेंगे बस आप लोग देखते रहना। अब यहाँ पर देख सकते हो मैं उसको देख भी रहा था लेकिन ये बंदा मुझे दिख नहीं रहा था। और ये बंदा इतना चालाक होता ना कि ये बंदा बहुत ज़्यादा मतलब देर तक सर्वाइव करता जॉन के बाहर ही रह के। उसको भी पता है कि यार जॉन के अंदर आऊँगा तो भाई कोई ना कोई बंदा तो मार ही देगा, इससे अच्छा मैं जॉन के बाहर ही सर्वाइव कर लेता हूँ। तो ये वाला दिमाग आप लोग भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि भाई सर्वाइव करने का ही आपको ज़्यादा पॉइंट मिलता है। आप लोग अगर ज़्यादा किल भी कर लोगे, अगर आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे तो फिर कोई मतलब नहीं निकलता, आपको प्लस बिल्कुल भी नहीं देगा। यहाँ पर आप जॉन तो स्टार्ट हो ही चुका है तो अब तो इस बंदे को निकलना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं गाड़ी में बैठ के ना इसको देख रहा था कि ये बंदा कहाँ से आ रहा है। भाई इस वाले स्प्रे के लिए ना यार एक लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब वाले बटन पे ना लकड़ा फेंक के मारो या फिर चप्पल मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो भाई यहाँ पर हमारे साथ एक सेकंड में ना पूरा का पूरा गेम ही बदल गया। यहाँ पर हम लोगों को लग रहा था कि भाई चिकन मिलेगा अच्छा खासा, लेकिन यहाँ पर और कैसे कैसे मार रहा है आप लोगों ने देखा, मतलब कि भाई इसके आगे तो भाई कुछ दिख ही नहीं रहा, मतलब कि भाई ग्रास वगैरह क्या होता है यार, कुछ नहीं होता। अब यहाँ पर मुझे 30 का प्लस मिल चुका था जो कि मैं खुश हूँ यार, इतना ज़्यादा प्लस भी बहुत ज़्यादा होता है। बाकी आप लोग बताना जरूर इस वीडियो में आपको कैसा लगा। अगर आपको वीडियो देख कर मज़ा आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इतना बार बोल चुका था चैनल को सब्सक्राइब कर ही दो यार। तो चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।